गौतम बुद्ध नगर में अपने बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले समाजसेवी महिपाल सिंह कसाना की प्रतिमा का अनावरण कर बड़े हर्षोल्लास के साथ अनावरण हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संसदीय मंत्री अशोक कटारिया, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा, दादरी के विधायक तेजपाल नागर, हरियाणा तिगांव से विधायक राजेश नागर, पूर्व मंत्री और गन्ना अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष नवाब सिंह नागर, वरिष्ठ समाजसेवी ब्रजेंद्र सिंह मुंशी जी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आज जिस व्यक्तित्व को नमन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, 1982 दिसंबर में मैं बेगाना सा इस शहर में आया था। 38 वर्षों का शहर के साथ कदम ताल रखकर आगे चलने का सफर में से लगभग 30 वर्ष से ज्यादा का समय आदरणीय महिपाल सिंह कसाना जी और उनके परिवार नेपाल सिंह जी भाई कुशल के साथ गुजारने का मुझे मौका मिला। जब मनुष्य बर्दाश्त करने की सीमा के पार चला जाता है तभी वो असीम कहलाता है, और सीमित होना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। सीमित होना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, ना कभी रहा किसी युग में। असीम हो जाना ही तो मनुष्य का लक्ष्य है। जब आप किसी चीज को बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं और उसके बाद भी आप टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, तभी तो आप असीम हो पाते हैं। और इस मंत्र को कोई कोई जान पाता है, जो जान जाता है वही इतिहास बनाता है और महिपाल सिंह कसाना कहलाता है। तो पूरे क्षेत्र में एजुकेशन के फील्ड में काम करने का आप लोगों ने काम किया है। आप सबका परिवार धन्यवाद का पात्र है। और विषम परिस्थितियों में से निकलकर इतना बड़ा स्थान प्राप्त करना, हर प्रकार से समाज के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, हर प्रकार से आप लोग आगे बढ़े हैं। आप सबको मैं अपने बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मैं सभी का स्वागत करता हूं। बड़े भैया की बहुत याद आती है। जीवन का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब भैया की याद नहीं आती।